आप सुन रहे हैं माई टॉपिक द स्टेपरे विद द बॉय ऑन द ऑटोमोबाइल। ओके वी आर लाइव। ओके सो हाय गाइस, दिस इज पुलकित। वेलकम टू माय शो जिसका नाम है माय टॉपिक द स्टेपरे। और आज मैं अनदर पर्सनालिटी के साथ हूँ जो आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हो। मैंने तो उनको बहुत सुना भी है रेड एफएम में। जब मैं चलाता हूँ ड्यूरिंग करता हूँ, मैं बहुत सुनता हूँ। इवन आपने उनको रेड एफएम पॉडकास्ट पे भी देखा होगा, जो इंस्टाग्राम पे जब वो लाइव इंटरव्यू लेते हैं लोगों का। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आरजे रॉकी को अपने इस यू नो पॉडकास्ट पे लूँ और उनसे कुछ उनके एक्सपीरियंस जानूँ और कुछ अपने बताऊँ, है ना। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपने फेवरेट पर्सन आरजे रॉकी से। आजकल तो बढ़िया मौसम हो रखा है। नहीं, अभी तो मेरे को पसीने छूट रहे हैं, बाय द वे। गर्मी है, बट हाँ, दो दिन से तो बहुत अमेजिंग मौसम था। यस, तो रॉकी लाइक कैसा चल रहा है आजकल? यार बढ़िया चल रहा है। मतलब आप क्या ही कर सकते हो ना, पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, जिंदगी चल रही है, काम चल रहा है, कर रहे हैं, दौड़ रही है जिंदगी की मेट्रो ट्रेन। ये तो है, बस ट्रेन चलानी पड़ेगी और क्या। तो रॉकी मेरे को आप इजाजत दें, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा, प्लीज अलाउ मी। जी जी प्लीज 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 प्लीज। ओके सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रॉकी से है। रॉकी लाइक यू नो लास्ट 3 to 4 months स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, लाइक मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हाउ वॉज योर लॉकडाउन एंड हाउ वॉज इट, बिकॉज हर किसी लाइफ में बहुत बुरा एक फेज था वो। आई एम होपिंग शायद किसी को और आगे ना फेस करना पड़े जो थर्ड वेव कह रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट हाउ वॉज योर लॉकडाउन एंड हाउ यू स्पेंड इट। यार लॉकडाउन तो मतलब जैसा सबके लिए था वैसा ही मेरे लिए था, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर में आप एक घर के अंदर में, एक बंद कमरे के अंदर में आप करोगे ही क्या, आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो सहारा सिर्फ ये इंटरनेट का है और इंस्टाग्राम का है या फेसबुक का है, जिसके जरिए आप लाइव लोगों से जुड़ जाते हो। वो एक खूबसूरत चीज है आज के दौर में। अगर पहले आपको कमरे में बंद होना पड़ जाए तो आपके पास परेशानी होती थी, लेकिन एटलीस्ट आज की तारीख में आपके पास इंटरनेट होता है तो आप लोगों से कनेक्टेड रहते हो। लॉकडाउन में मतलब एक चीज जो मैंने डिस्कवर की है, वो पता नहीं बहुत सारे लोगों ने की है कि नहीं की है, कि आप जब झाड़ू लगाते हो तो आप आगे की तरफ चलते हो और जब आप पोछा लगाते हो तो पीछे की तरफ आते हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। जोक सफाई, बर्तन धोने सीख लिए हैं, कैसे बर्तन धोए जाते हैं वो सीख लिए हैं, घर की सफाइयां सीख ली हैं, पंखे के सारे साफ कर दिए हैं। वर्क फ्रॉम होम हमने किया काफी टाइम तक, हम घर से शो कर रहे थे, घर में स्टूडियो का सेटअप हमने कर लिया था। तो वर्क फ्रॉम होम के अंदर में एक चीज ये होती है कि आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे होते, वर्क एट होम भी कर रहे होते साथ साथ। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जब आप स्टूडियो में शो रिकॉर्ड करते हो तो एक एटमोसफेयर होता है जहां पर आप काम कर रहे होते हो, जब आप घर में होते हो घर से शो रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो पीछे से मम्मी खाना बना रही है, कुकर की सीटी की आवाज आ रही है, इधर से कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं, पीछे पड़ोस वाले उन बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, तो आपको वो सब चीजें मैनेज करनी पड़ती है। आउट एंड आउट लॉकडाउन के अंदर आई थिंक जितना सब लोगों के साथ रहा है कि आई थिंक पिछले कई सालों के अंदर में हमने अपनी फैमिली के साथ इतना वक्त कभी नहीं बिताया था जो आई थिंक लॉकडाउन के अंदर हमने अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताया है। तो इट वाज गुड, और ऑप्शन ही क्या है। तो लॉकडाउन 1 and 2 में ज्यादा एंजॉयबल कहूं तो लॉकडाउन 1 था, तो आपके लिए कौन सा था दोनों में से? यार पक्षी को पिंजरे में कैद कर दोगे तो क्या वो एंजॉय करेगा? नहीं कर पाएगा, बट अगेन आपको अपने अपना मन तो लगाना था, देन हाउ यू लाइक एग्जैक्टली। देखो एंजॉयबल तो नहीं था, बट ये कह सकते हैं कि पंजाबी च कहंदे ने कि बुलिया मन दा की समझाउणा इधरों पुटना ते इधर लोना, कि मन का क्या समझाना कि यहां से हटाना और यहां पे लगाना, तो वो है मन। मन को आप कहीं भी कभी भी लगा सकते हो। तो पहला लॉकडाउन और दूसरा लॉकडाउन ऐसा कुछ खास फर्क मेरे को लगा नहीं, मेरे लिए लॉकडाउन लॉकडाउन ही था और मैंने बहुत सिंसियरली उसको फॉलो किया। घर पे रहे, घर पे काम किया, लोगों से कनेक्टेड रहे इंटरनेट के जरिए, तो कुछ खास फर्क नहीं था कि पहले वाला एंजॉयबल था या सेकंड वाला एंजॉयबल था। सेकंड वाले तक तो हाँ ये था कि आदत पड़ चुकी थी, हाँ अब तो ऐसे ही रहना है तो ऐसे ही रहना है, बट सेकंड वाला वाज वेरी यू नो टेररिस्ट, वो टेरर था, वो दहशत थी सेकंड, वो डर था, वो खौफ था। आपके पास जो केसेस सुनने को मिल रहे थे
सेकंड वाला मतलब इतना खौफ ज्यादा था क्योंकि आपके आस पड़ोस में इतने सारे लोग थे जहां से आपको सुनने को सिर्फ ये मिल रहा था, यार ऑक्सीजन अरेंज करा दे कहीं से, यार कहीं से बेड अरेंज करा दे, तुम तो मीडिया में काम करते हो, तुम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकते हो, कहीं से कुछ हो जाएगा। बट बिलीव मी, जितना एक आम आदमी परेशान था ना, उतना ही कोई मीडिया वाला या कोई वीवीआईपी वो भी परेशान था। ना कहीं बेड था, ना ही कहीं ऑक्सीजन थी। तो मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि यार ये थर्ड वेव ना आए, और मतलब ये आनी ही नहीं चाहिए है, मतलब ऐसा खौफ है दिल के अंदर में कि नहीं आनी चाहिए, और उसको रोक सकते हैं तो हम लोग ही रोक सकते हैं। जिस तरह से बन रहे हैं आसार, उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि शायद लोग सुधरे हैं, बट आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये चीज ना आए। लेट्स होप कि वैसे ही रहे जैसे चल रहा है एंड इम्प्रूव होए और ज्यादा। ओके, जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग में मैंने आपका प्रोफाइल खोला मॉर्निंग में, तो मैंने वहां पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज देखी, एक आपकी रील्स, ठीक है, इंस्टा रील्स, वो मुझे बहुत पसंद आए। मुझे सबसे ज्यादा पसंद पता क्या आया? आपका रेड एफएम का लव जूस, जो आप स्टोरीज, लव जूस जो है वो एक स्टोरी है, मतलब मेरा एक पॉडकास्ट है जिसका नाम है स्टोरियां, जिसमें मैं कहानियां सुनाता हूँ, शायरी करता हूँ, और कहानी वो मिक्स होता है कि शायरी और कहानी एक साथ चलती है उसके अंदर में। तो उस स्टोरियां के अंदर में मेरी एक कहानी है जिसका नाम है लव जूस। उसके दो पार्ट मैंने रिलीज किए हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो वो अभी जहां पर अभी जो हमें पॉडकास्ट पे इस वक्त यहां पर सुन रहा है, वो अगर उसी प्लेटफॉर्म पे अभी जाएगा, स्टोरियां सर्च करेगा तो मिल जाएगा उसको वहां पे। तो लव जूस वो मेरी खुद की लिखी हुई कहानी है और खुद ही की है, अच्छी कहानी है। मतलब कैसे ये आइडिया कैसे सूझा आपको, एंड कैसे आपको माइंड में एक तरह से स्ट्राइक किया कि लाइक कुछ ऐसा करना चाहिए? स्टोरी टेलर जो एक मेरे को लगा कि आप बहुत अमेजिंगली आप लग रहा था, मैंने एक एपिसोड सुना था, मैं और सुनूंगा, बट आई प्रॉमिस मैं पूरा सुनूंगा। बट मैं ये पूछना चाहूंगा कि कैसे, हाउ, कैसा ये आपको एक लगा कि हाँ यार करना चाहिए? यार स्टोरियां जो मैंने मतलब इट स्टार्टेड इन 2000 आई थिंक, पेंडेमिक शुरू होने से महीना दो महीना पहले ही हम लोगों ने शुरू किया था पॉडकास्ट, और उसको कर रहे थे हम, तो कहानियां कुछ होनी शुरू हुई, इधर उधर से मिलनी शुरू हुई कहानियां कि ये कहानी कर लेते हैं, वो कहानी कर लेते हैं। तो फिर तब तक मेरे को ऐसा लगता था कि शायद मैं कहानी नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि डूइंग ए जोक स्टेज, स्टेज पे आप कैरेक्टर कर रहे हो, आप जोक्स कर रहे हो, चुटकुले कर रहे हो, एंकरिंग कर रहे हो, एक अलग चीज है। लेकिन जब आप एक कहानी सुना रहे हो, कहानी नरेट कर रहे हो, वो एक अलग चीज है। तो मेरे लिए एक बिल्कुल ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस था। ऑफिस में चर्चाएं हुई कि यार ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं, तो मैंने कहा ट्राई तो कर सकते हैं, आई एम ओपन फॉर इट। तो बस वो ट्राई किया और वो कहानी पहली ही इतनी अच्छी बन गई कि लोगों को पसंद आई। तो बस धीरे धीरे करते करते अभी अराउंड 40 कहानियां जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, और 41 नंबर जो है कहानी का इस हफ्ते है वो अपलोड हो जाएगी। चलो मैं सारे सुनूंगा, एक एक चाहे मैं एक एक सुनूं, पर मैं सुनूंगा जरूर आपकी वो सारी कहानियां। सिर्फ लव जूस स्टोरी एक ऐसी जिसके हमने दो पार्ट किए हैं, ऑडियंस डिमांड पे दो पार्ट किए हैं, क्योंकि वो कहानी मैंने एक जगह पे एंड कर दी थी। मैंने कहानी कि माय स्टोरी इज एंड हियर, बट मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए ऑडियंस के, तो हमने सीक्वल बनाया उसका देखा जाए तो। यस, इतने सारे मैसेजेस आए कि दे वांट टू नो मोर अबाउट द कैरेक्टर, कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रिया कहाँ गई, उसके बाद में सीमा का क्या हुआ, या उसके बाद में जो लड़का था, जो कैरेक्टर था, उसका क्या हुआ, उसने सतेंद्र ने क्या किया उसके बाद, उनका क्या हुआ क्या उसके बाद। तो मैंने उस स्टोरी का फिर सीक्वल बनाया और फिर उस स्टोरी को एंड किया। मैं सुनूंगा, मैं पक्का सुनूंगा। मैंने एक स्टोरी सुनी थी हल्की सी, और मुझे थोड़ी सी पंजाबी आती है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट थोड़ा सा ना ध्यान से सुनूंगा ना तो मुझे बहुत अमेजिंग, पक्का मैं आज पूरा सुनूंगा, एक एक पार्ट में सुन ही लूंगा ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड उसका आराम से सुन सकूं। ओके, श्योर। ओके, मेरा जो अगला आपसे क्वेश्चन है कि यार लाइक हाउ रेड एफएम चेंज योर लाइफ? यार कंप्लीटली रेड एफएम चेंज माय लाइफ। रेड एफएम से पहले हु वाज आई, मैं कौन था, मैं क्या कर रहा था? मैं थिएटर कर रहा था, मैं एक्टिंग के लिए स्ट्रगल कर रहा था, मैं एंकरिंग कर रहा था, मैं स्टेज शोज कर रहा था, सब कर रहा था। बट नाम जो है वो कहां से मिला ना, मतलब नाम रॉकी जो फेमस हुआ, जो लोगों ने जानना शुरू किया, इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ रेड एफएम। मतलब रेड एफएम ने मुझे नाम दिया, मुझे फेम दिया है, और पैसे तो ऑफ कोर्स कमाए ही हैं, सीधी सी बात है। लेकिन वो रेड से पहले भी कमाए जा रहे थे, जब मैं स्टेज शोज कर रहा था, एंकरिंग कर रहा था, एमसीइंग कर रहा था,
लेकिन रेड हैज चेंज माय लाइफ कंप्लीटली. सब चीजें हुई हैं यार रेड में आने के बाद. इट्स बीन 13 इयर्स वर्किंग विद दिस कंपनी. वाओ. मैंने आपके शोस सुनता था, जैसे वेला वेलापति something.com ऐसे था. बहुत मैंने दोपहर को जैसे ट्यूनिंग कर लिया, तो आई यूज्ड टू लिसन अ लॉट. क्योंकि मेरे को पता नहीं, मैं रेडियो बहुत सुना है, क्योंकि बीइंग लाइक आई एम टोटली स्टक एट माई होम, मैं कहीं जा नहीं सकता था, मैं कहीं यू नो ड्यू टू माई फिजिकल प्रॉब्लम आई कैन मूव आउट. सो मेरा क्या था, आई हैव ओनली वन और टू फ्रेंड्स, वन इन टेलीविजन एंड अनदर वन इन रेडियो. तो रेडियो से मुझे बहुत चीज सीखने को मिली जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए होती थी, क्योंकि रेडियो इज वेरी गुड मीन्स ऑफ लाइक यू नो नॉलेज, जहाँ से मैं गेन कर सकता हूँ कि आप लोग कैसे बात करते हैं, आप लोग कैसे यू नो एक दूसरे से लाइक किसी कॉलर से बात करनी है तो आप लोग कैसे बात करते हैं, वो मैंने बहुत उसमें सीखा. एंड मुझे नहीं पता था कि आज जाकर वो चीज मेरे काम आ रही है, जो सुन सुन के और वो प्रैक्टिकल यू नो आज मैं अप्लाई कर रहा हूँ. आज मैं एक पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, वही मैं सेम चीज कर रहा हूँ जो आप लोग करते हैं एवरी डे. तो यू पीपल आर बेसिकली अ कंटेंट क्रिएटर. देखा जाए तो कोई आपको बोलता है आरजे, बट आरजे आर द रियल कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम लास्ट, जब से एफएम शुरू हुए हैं. तो उससे आज जो लोग प्रोड्यूस करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो मेरे को लगता है आज जो चीज आप लोग करते आ रहे हैं वो आज लग रहा है अप्लाई हो रही है हर जगह से, चाहे वो एंटरटेन करना है, चाहे वो यू नो वन ऑन वन टॉक्स हैं, एवरीथिंग इंक्लूड एवरीथिंग. तो मुझे ये लगता है. सो ओके, सो मेरा अगला जो आपसे क्वेश्चन है यार, आप लाइक व्हाट इज अभी तक, जैसे आपने बताया आपके 13 इयर्स हो चुके हैं रेड एफएम में, इंस्टाग्राम से शायद बाद में शुरू हुआ है बट उससे पहले भी, और अभी तक टिल नाउ आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट और वर्स्ट कॉम्प्लीमेंट तो वर्स्ट नहीं होता बट वर्स्ट कमेंट कुछ ऐसा जो मिला, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, वर्स्ट कमेंट होगा, कुछ ऐसा. कॉम्प्लीमेंट यार, अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे पास एक मैसेज आया था कि एक हमारे लिसनर का मैसेज था थोड़े दिन पहले, उसमें ये लिखा हुआ था कि हाय ब्रो, आई एम योर सिस्टर एंड आई जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी एंड आई एम नॉट एबल टू स्लीप इन द नाइट बिकॉज बेबी है, मैं अकेली होती हूँ, उसको संभालना होता है, तो सारी चीजें होती है, मेरी रातें जाग के कटती हैं अक्सर, लेकिन अपने आप को सूद करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं रात को आपकी स्टोरियां सुनती हूँ. अच्छा. और जब मैं रात को आपकी स्टोरियां सुनती हूँ तो आई फील काम, मैं अपने आपको काम कर पाती हूँ और अपने बेबी को रात को संभाल पाती हूँ. जब कोई मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ पर नहीं है, जब मैं आपकी कहानियां सुनती हूँ तो लगता है कि आप मेरे साथ हो, यहाँ पे हो. तो और उसमें लिखा था योर सिस्टर फ्रॉम तमिलनाडु. वाओ. अब पंजाबी स्टोरी जो मैं यहाँ कर रहा हूँ उसको तमिलनाडु में कोई सुन रहा है और उससे वो इतना इंस्पायर हो रहा है. वाओ. एंड उनको लैंग्वेज भी शायद समझ आती है या नहीं आती, ऑफ कोर्स पंजाबी समझ आती होगी, हो सकता है वो पंजाबी बैकग्राउंड से होंगे या फिर हिंदी बैकग्राउंड से होंगे, क्योंकि स्टोरियां जो पंजाबी में है वो सिंपल पंजाबी में है, वो समझ आती है आराम से. मेरे पास एक मैसेज ये भी आया था कि आई डोंट अंडरस्टैंड मच पंजाबी बट आई लव योर स्टोरियां बिकॉज उसमें इमोशन है, आई लव इमोशंस एंड यू इमोट वेरी वेल, ऐसा करके कुछ मैसेज था. अच्छा. तो ये अच्छे मैसेजेस थे जो मिले थे मेरे को, और खराब जो आए हैं वो अक्सर कभी कभी इस बात पर आ गए हैं कि मैंने कोई ऑन एयर जोक सुनाया, चुटकुला सुनाया, तो पीजे मेरा एक कंटेंट था जिसमें पीजे सुनाया करता था, तो इस तरह के मैसेजेस आते थे कि रॉकी पीजे सुनाना बंद कर दे यार, बंद कर दे पीजे सुनाना यार, बहुत पीजे सुनाता है, बंद कर दे यार, कितना गंदा पीजे था यार, तो बहुत ही गंदा पीजे था. बट मुझे ऐसा लगा ये जो खराब कमेंट भी थे ना ये भी मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट थे, क्योंकि जब आप पीजे सुना रहे हो तो वो गंदा ही होगा, पीजे तो गंदा ही होना है, पीजे को आप अच्छा कर ही नहीं सकते. तो बेसिकली ये प्रेडिक्टेबल जो आपको समझ ठीक है, हर किसी अपने भी पसंद ना पसंद है, पर ठीक है, सबका हक है बोलना. सबको बिल्कुल. तो यही है, मतलब इट्स ओके, लाइक अगर आपको पीजे पसंद है नहीं पसंद है वो आपकी मर्जी है, बट मेरे को पीजे पसंद आते हैं,
कुछ जैसे बेसिकली आई लाइक पंस है ना, वो पीजे टाइप ही होते हैं बड़े बड़े मजेदार होते हैं, वो मेरे को बहुत पसंद आते हैं. ओके सो बिफोर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, मैं एक मेरा एक छोटा सा गेम होता है जिसका नाम है दिमाग पर वार. ठीक है, तो दिमाग पर वार आप समझ गए होंगे वो क्या है. इट्स द बेसिक जनरल नॉलेज क्वेश्चंस जो मैं सबसे पूछता हूँ, तो आई थिंक मेरे को लगा कि आपसे पूछना चाहिए. मैं उससे पहले हथियार यहाँ पे डाल देता हूँ क्योंकि मेरी जनरल नॉलेज बहुत ही ज्यादा खराब है. और सच बता रहा हूँ मैं आजकल इतनी ज्यादा व्यस्तताएं सिर्फ कहानियों को लेके, मेरा पता है क्या, मैं ना एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीता हूँ जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं मेरे आसपास जो अच्छा. मेरी कहानी में उतर के आते हैं, तो वो एक डिफरेंट वर्ल्ड है. कभी स्टोरी सुनेंगे कहानी सुनेंगे तो शायद आप उस वर्ल्ड में जा पाए, लेकिन वो एक डिफरेंट वर्ल्ड है. तो जनरल नॉलेज में मैं पहले हार मान लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ गेम जरूर खेलता हूँ. कोई बात नहीं, मैं आपको ज्यादा एम्बैरस नहीं करूंगा, नहीं आएगा आप कह देना पास आगे चलो. चलो ठीक है ठीक है. ओके ऑलराइट, सो मेरा पहला जो क्वेश्चन है आपसे, ओके, हु वाज द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन. बहुत ही मुश्किल सवाल पूछे मैंने पहला. फिर से बोलना, हिंदी में बोलना जरा. अच्छा, वो पहला इंसान जो चढ़ा था माउंट एवरेस्ट पे बिना ऑक्सीजन के. इंसान जो चढ़ा था माउंट एवरेस्ट पे बिना ऑक्सीजन. अगर आप चाहें तो मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ, जस्ट लाइक आई एम अमिताभ बच्चन. नहीं नहीं, मैं इसका जवाब तुम्हें देना चाह रहा हूँ, मैं इसका जवाब तुम्हें देना चाह रहा हूँ, मेरे को ऑप्शन नहीं चाहिए. पक्का? जो माउंट एवरेस्ट पे बिना ऑक्सीजन के चढ़ा था वो एक इंसान का बच्चा था. एक्चुअली वो इंसान का बच्चा था. बहुत बहुत ही सही जवाब, पर उसका नाम भी होता है, वो आपको नाम बताना पड़ेगा. वो नाम आप बताएं मुझे. ओके मैं आपको ऑप्शन फिर भी दे देता हूँ. जंको चबाई है, कौन सी भाई? इट्स कॉल्ड जंको, JUNKO चबाई, TABEI. ठीक है, जिनको दबाए. ठीक है, मेरी ठीक है, जिनको दबाए. मैंने कौन सा रिश्ता जोड़ना उनके घर में, अगला बता. ओके फू डॉर्जी, फू डॉर्जी, PHU डॉर्जी. ठीक है, और रेन होल्डर मेसनर. मैं यहाँ पे फोनो फ्रेंड यूज करना चाहूंगा और मेरे जो फ्रेंड हैं इस वक्त मेरी नजरों के सामने बैठे हुए हैं. अच्छा. तुम ही मेरे फ्रेंड हो तो मेरी मदद करें आप इसमें और मुझे बताएं सही आंसर क्या है इन okay. चारों में से. ओके सो मैं भी आपको बताया तो इसका नाम है, जो सही जवाब है दैट इज फू डॉल्जी. ठीक है. बढ़िया, ये भी ठीक है. ठीक है, ये भी ठीक है. माउंट एवरेस्ट चढ़ गया था बिना ऑक्सीजन के भाई, बहुत बड़ी ऑक्सीजन की, बहुत बड़ी बात है ना. ओके सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सरफेस ऑफ, व्हाट इज द सरफेस टेंपरेचर ऑफ सन. सन का सरफेस टेंपरेचर? हां जी भाई, बहुत गर्म. यार राइट, बहुत ही ज्यादा गर्म, हद से ज्यादा गर्म. तो उसका ना गर्म से भी गर्म भाई साहब नंबर्स होते हैं उसके. ऐसे 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 मतलब ऐसे ऐसे उंगली रखोगे ना मतलब ऐसे पिघल जाएगी. ओह गॉड, मतलब इतना गर्म है, इतना गर्म है ना भाई, इतना गर्म है उसका टेम्परेचर. आप ट्रेन डाल दो ना वहाँ पे भाई साहब, ट्रेन पिघल जाएगी पूरी पूरी, इतना गर्म है वो. बिल्कुल, अब उसका नंबर भी बता दो क्या है. बहुत ज्यादा. रुको 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 रुको, मैं बता, गूगल नहीं कर रहा, आप ऐसे बताओ. नहीं गूगल नहीं कर रहा भाई, बता रहा हूँ. 4854980403. उसका उसका पिन नंबर भी होगा, पिन नंबर भी होगा, वो भी बता दो. और जो OTP आएगा वो भी बता देना, वो मिला के जो नंबर वो मिला के हो जाएगा. Okay, तो, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं यहाँ पर तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ. मेरे जो टीचर थे ना स्कूल में थे 11वीं कक्षा में,
वो जो मुझसे बतिया रहे थे, तब भी फेल हुआ था, मैं आज भी फेल होने वाला हूँ. ओके, तो इसका जो आंसर है, इसको जनरल नॉलेज नहीं कहते भाई साहब, इसको जनरल नॉलेज नहीं कहते, इसको पीएचडी का एग्जाम कहते हैं. तो मैंने जो सवाल तुम पूछ रहे हो, तो मैंने इस जो यू नो सेगमेंट का नाम तभी रखा है दिमाग पर वार. तो ये दिमाग पर वार करता है, दिमाग पर वार नहीं भाई, दिमाग की दही करता है. चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ. इट इज 5778 के. भाई बहुत नजदीक था, मैंने जो अपने कार्ड का नंबर तुम्हें बताया था. अब तो हो गया. नेक्स्ट. ओके, ये आंसर शायद आपको पता होगा क्योंकि ये दिल्ली से रिलेटेड है. विच एम्परर बिल्ट जामा मस्जिद? ये तो मालूम था यार मेरे को, ये तो मालूम था. ओहो, बस पास है. ऑप्शन दो. एक मिनट. हाँ, ऑप्शन दो. एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को सोचने दो जरा. औरंगजेब? नहीं. शेरशाह? क्या बोला था आपने, सेकंड क्या बोला था? शेरशाह? नहीं, इतना अच्छा नहीं था वो. और ऑप्शन और ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दो. ओके, जहांगीर, अकबर, जहांगीर, ठीक है, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तो बोला मैंने, शाहजहां तो बोला मैंने, आपने शेरशाह बोला. अरे सॉरी, मैं शाहजहां बोलना चाह रहा था. शाहजहां. वेरी गुड, शाहजहां. वेरी गुड. जो मैंने बनाया है और जिसका आंसर मुझे पता है, वो मैंने कहीं सुना था, वो आपने नहीं सुना होगा, बट आपकी हिस्ट्री खराब है तो प्लीज लेट मी आंसर. ओके, व्हाट वाज द ओरिजिनल कलर ऑफ रेड फोर्ट? Alternate color of red fort. Original, तो original, original. Before red, क्या था? Don't say red. लाल तो लाल था. नहीं. लाल किले का कलर तो लाल ही था, इसलिए तो उसका नाम पड़ा लाल किला. Original color before red. दोबारा बड़ा पैसा था ना उसके पास, शाहजहां के पास, दोबारा लगवा दिया उसने. अच्छा, सोचने का ये पेंट मुझे पसंद नहीं आया, इसको दोबारा पेंट कर दो. It's a tacky. I don't like it. Kindly change it. I think pink. You should pink. नहीं, red का तो red ही था यार. नहीं, it was white. अच्छा, it was white. Yes, because शाहजहां build ताजमहल white ना, तो he thought कि इसको ही white कर देते हैं. But फिर किसी reason से उसने कहा मेरे को color पसंद नहीं आया, इसको red कर. ठीक है. तो है ना इंटरेस्टिंग सा, मजा आ रहा है आपको, है बहुत ना? बहुत अच्छे सवाल है यार, बहुत अच्छे सवाल है. ओके, ऐसा लग रहा है कौन बनेगा करोड़पति खेल रहा हूं. हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ रेड फोर्ट? ये तो पता ही होगा. मालूम है मेरे को कौन. मैं नहीं था. ओके. चलो बता देता हूँ, उस्ताद अहमद लाहौरी. तो मेरे को कैसे पता होगा, मेरे चाचे का लड़का है वो. यही तो चाहिए था मुझे. तो यस, उस्ताद अहमद लाहौरी. ओके, ये बहुत इजी है. विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और इन टर्म्स ऑफ एरिया? लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया. ऑप्शन दो. चाइना या अमेरिका? अमेरिका China, पूरा मिला के, लैटिन अमेरिका, अमेरिका और लैटिन अमेरिका सब मिला के. चाइना अमेरिका रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट, सो बेसिकली लाइक कंट्री. ठीक है, ऐसा यार, ये तो बड़ा कंफ्यूज सवाल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत स्पेस खाली है, बहुत बड़ी जगह है, वो जंगलों में आग लग जाती है. अमेरिका में अमेरिका हो गया नीचे, लैटिन अमेरिका हो गया, तो अमेरिका का स्पेस भी बहुत ज्यादा है. चाइना में तो जनसंख्या ही बहुत ज्यादा है, तो चाइना इन टर्म तो पॉपुलेशन तो सबसे ज्यादा है ही है. हाँ, वो तो सबको पता है, बट एरिया वाइज. और रशिया एरिया वाइज आई डोंट थिंक सो उतना बड़ा होगा, क्योंकि रशिया के हिस्से हो चुके हैं, रशिया हिस्सों में बट चुका है. एक टाइम पे रशिया जो था वो सबसे बड़ा था, एक टाइम पे रशिया सबसे बड़ा था एरिया वाइज. अब तुम ये बताओ, आज का रशिया पूछ रहे हो या पहले का रशिया पूछ रहे हो, जब सारे देश एक साथ थे उसमें से बहुत सारे. मेरे को आपसे आंसर चाहिए और आंसर आप दे दो, मैं आपको बाद में बताऊंगा.
या थोड़ा हिंट तो देना, मैंने इतने सारे ऑप्शन तुम्हें बताई दे, मैंने चार ऑप्शन ही बता रहा हूं तुम्हें, चार ऑप्शन दे दिए आपने, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही गैस किया आपने, बट एक तो देना पड़ेगा ना। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत स्पेस खाली पड़ा है क्योंकि बहुत जगह है वहां पे। तो चलो कुछ बनाते हैं वहां पे जाके। मैं गूगल नहीं कर रहा हूँ सच में, मैं खुद के अंदाजा लगा रहा हूँ, गूगल करके मैं बता सकता था, बट नहीं, आई डोंट वांट टू डू दैट। आई थिंक आप बोल दो आप छोड़ो, क्या करना, रशिया। ट्रू यस, बिकॉज चाइना से भी बड़ा है रशिया। हालांकि वो दिखता नहीं है, लगता चाइना बड़ा है, बट इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज रशिया इज द बिगेस्ट। और मुझे पहले ये लगा था कि शायद चाइना ही होगा, बट नहीं, रशिया। नहीं, मेरे को सारे लग रहे थे क्योंकि सारे बड़े कंफ्यूज थे, और मैंने सारे इसलिए ऑप्शन रखे हैं, और मैंने सारे क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि कंफ्यूज करूं मैं सामने वाले को। और इधर अमेरिका देखो तो अमेरिका में अमेरिका है, फिर लैटिन अमेरिका है, वो एरिया बहुत बड़ा लगता है। बट इन टर्म्स ऑफ लाइक पूरा एरिया जो बहुत बड़ा है सबसे, तो रशिया ही है। ओके, यस, ये भी इजी है, ठीक है। व्हिच प्लेस इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? Which place is known of the roof of the world? हाँ, दुनिया की छत कौन सी है? छत है वो कंट्री, वो कंट्री, और वो प्लाटियो भी है बहुत बड़ा। प्लाटियो क्या होता है? प्लाटियो मतलब है, होता है जब ज्योग्राफी में होता है, मेरी ही बेस्ट थ्योरी है। बर्फीला स्थान, प्लाटियो, प्लाटियो मतलब एक बहुत ऊंचाई पे, क्या होता है? अच्छा, ऊंचाई पे है। हाँ यार पता है, लोग बाइक भी चला के जाते हैं। इज इट अ कंट्री? इज इट अ कंट्री? यू आर सेइंग कंट्री? क्या क्या हिंट दिया आप, क्या बता रहे थे, क्या जाते हैं? बाइक भी लेके जाते हैं इस जगह, ऐसी जगहों पे जैसे हम, ये तो भाई बुलेट लेके जाते हैं लद्दाख। हाँ, लद्दाख इज नॉट अ कंट्री ना, लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी। प्लीज तो, नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, तुमने बाइक की बात की, बाइक तो लद्दाख लेके जाते हैं ना, कंट्री की बात कर रहा हूँ। बट अगर वर्ल्ड में ऐसी कंट्री, बट अगर किसी को बाहर भी जाना है तो ये बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल है देखने में भी। अच्छा, या बाइक कनाडा के, उधर तो चलेंगे नहीं, उधर तो बर्फ बहुत है, ठीक है, वहां तो बहुत रेयरली बाइक लोग चलाते हैं, तो बाइक अगर चलती होगी तो इसी तरफ ही चलती होगी, अपने ऊपर की तरफ, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, छत ऊपर की तरफ जाते हैं, तो रशिया है मेरे ख्याल से। हिंट दो, ऑप्शन दो। पास हो आप, बहुत पास हो उस कंट्री के, बहुत पास हो। ऊपर की तरफ मैप में अगर जाओ तो वो आपको नजर आता है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। नाम एंड हिंट दो कुछ। एंड बहुत सारे वहां पे मॉनेस्ट्रीज भी हैं शायद, इससे ज्यादा क्या हिंदू में आपको। मॉनेस्ट्रीज तो तिब्बत की बात कर रहे हो क्या? हाँ, तो सही आंसर है तिब्बत। तिब्बत, oh, Tibet is the roof of the world. Yes, it's the largest plateau. Wow, man. मेरे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं आज, तुक्के तुक्के में देखो। नहीं, मैं तिब्बत लोग बाइक से भी जाते हैं, इधर भी बाइक से जाते हैं बहुत लोग। तो मैंने क्या बोला, लोग जाते हैं मॉनेस्ट्रीज घूमते हैं, तिब्बत वहीं पड़ता है पास, तो इट्स लाइक चला जाओ, खुला तो है पासपोर्ट। मेरे को ये पूछना चाहिए था कि अपनी दिल्ली से कितना दूर है, तो मैं बता पाता तुम्हें। क्योंकि मेरी नजरों में पूरा मैप चल गया कि उधर कनाडा के ऊपर तो बर्फ है, उधर ग्रीनलैंड है, उधर वो है, उधर वो है। हाँ, अब जो मैं लास्ट क्वेश्चन है पूछने वाला हूँ, वो उसका ना स्पेलिंग मेरे को भी नहीं आते, तो मैं छोड़ रहा हूँ बस। आप ये एक और, ये सेकंड, ये एक लास्ट क्वेश्चन है। हु इन्वेंटेड टेलीविजन? मेरे घर पे तो मेरे पापा ही लाए थे। क्या नाम था उसका, टीवी वाले भैया का नाम पता था मेरे को यार। तो ऑप्शन दो, ग्राम बेल, गैलीलियो। ग्राम बेल ने तो फोन खोजा था। गैलीलियो, गैलीलियो, ओके, और तो गैलीलियो ही होगा, दो ऑप्शन दिए तो। ग्राम बेल ने तो फोन खोजा था। अल्बर्ट आइंस्टाइन,
उसने बल्ब जगाया था. एंड फील ऑफ आंसवर्थ है, फील ऑफ आंसवर्थ, फील ऑफ वाला जो तुम लास्ट, ये जो लास्ट में तुम बोल रहे हो ये वाला. हाँ यही सही है क्योंकि और भी हो ही नहीं सकता. क्योंकि ग्राम बेल ने टेलीफोन बनाया था, आइंस्टाइन ने वो बनाया था, तो पता ही है. तो ये मैं खत्म करता हूँ क्योंकि उससे लास्ट क्वेश्चन वो आप बोल, फिर पूछ लो आपसे वो लास्ट क्वेश्चन अगर आप चाहो तो. रहन दो, इतना ही ठीक है, बहुत है, इतना हो गया यार, इतनी जनरल नॉलेज बहुत है. मैं मतलब इतने सवालों के जवाब दे पाता ना, मेरा आईएलटीएस क्लियर हो जाता. ओके तो ये मेरा खत्म है, यहीं पे खत्म करता हूँ बिकॉज और ज्यादा नहीं हो सकता ना. ठीक है ओके मेरा लास्ट क्वेश्चन अब आपसे यही है कि एनी मैसेज यू वांट टू गिव फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म टू हूएवर इज लिसनिंग टू यू राइट नाउ और व्यूइंग. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ यार, देखो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि क्या क्या है, सबको पता है क्या क्या है. बिल्कुल. और क्या क्या फॉलो करना है वो सबको पता है. बिल्कुल. कहाँ कहाँ जाना है वो सबको पता है. क्या क्या नहीं करना है वो सबको पता है. बिल्कुल. मैं सिर्फ एक लाइन में इतना बोलना चाहूंगा, हर एक इंसान अगर अपना खुद का ख्याल रखना शुरू कर दे तो आपके आस पड़ोस वालों का ख्याल अपने आप रखा जाएगा. बिल्कुल, बहुत सही बोला. प्लीज 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 टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ तो अल्टीमेटली आप अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे हैं, उनका भी आप ख्याल रखोगे. सो अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें. सिचुएशन ऐसी है, पेंडेमिक ऐसा है कि ये आपके टाले नहीं टलेगा, आपके सोचे ये नहीं जाएगा. मतलब मेरी हायो रब्बा एक स्टोरी है, उसके अंदर में कुछ लाइने हैं कि हायो रब्बा मेरे यहाँ एक ऐसी सवेर हो जाए, हायो रब्बा मेरे यहाँ एक ऐसी सवेर हो जाए, आंखें खोलूं और सब कुछ ठीक हो जाए. ना किसी की मौत की खबर, ना किसी की मौत की खबर, ना किसी की लाचारी नजर आए. हायो रब्बा मेरे यहाँ एक ऐसी सवेर हो जाए, आंखें खोलूं और सब कुछ ठीक हो जाए. तो ये हमारी ख्वाहिश है कि ये ठीक हो जाए, और भगवान करे कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और जल्द से जल्द ठीक हो भी जाएगा. हमारे घर पे मेरी मम्मी कहती है कि जो दुख है वो आता अपने टाइम से है और जाता भी अपने टाइम से, अपना वक्त लेकर जाएगा. सो इसको इसका वक्त लेने दो और इसको आराम से, चैन से, शांति से बैठकर सहन करते जाओ और अपना ख्याल रखते जाओ. कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपको बाद में ये आज की तारीख में लोगों में ना ये एटीट्यूड आ गया कि जो होगा देखा जाएगा. हाँ, ये तो है, ये बहुत गलत है. बट सेकंड वेव में हमने देख लिया है कि जो होगा ना वो देखा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा. सो प्लीज बी केयरफुल, अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो. बिल्कुल, ये तो है, ये तो है, ये तो है. तो कैसा लगा आपको अभी तक? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया. अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तुम्हारे. हालांकि मेरी जनरल नॉलेज उतनी ठीक है नहीं है, मैं पहले भी मैंने बताया था, बट आई ट्राइड प्लेइंग इट. दो मेरे दो तीन आंसर सही भी आए, ऐसी बात नहीं. ऐसी बात नहीं, इतने भी गिरे पड़े थोड़ी है, पढ़ा तो है ना स्कूल में. हाँ, स्कूल बहुत पहले पढ़ा था ना यार, बचपन में पढ़ा था. तिब्बत ऊपर की तरफ है तो मैं मैप में ढूंढ रहा था कहाँ की तरफ है, तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा. That's why easy रखा मैंने ताकि विजुलाइज कर सको कि कैसे कैसे. अच्छा, गुड गुड इंटरेक्शन विद यू ब्रो, एंड आई विश यू गुड लक. आप ऐसे अच्छा काम करते रहें, बहुत बढ़िया काम करते रहें, इसी तरह से लोगों को एंटरटेन करते रहें. हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करते रहिए. किसी के चेहरे पर अगर स्माइल ला पाए तो प्लीज उसके चेहरे पर स्माइल लेकर आइए, और प्लीज अपना ख्याल रखिए और फैमिली का ख्याल रखिए. थैंक यू रॉकी फॉर कमिंग एंड गिविंग सच यू नो वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, एंड बहुत ही अमेजिंग आउटपुट हमको आपने एक कहते ना कि सोचने का एक नया तरीका आपने आप बताया. थैंक यू सो मच इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए. वाओ, थैंक यू. तो गाइस, ये थे मेरे साथ आज आरजे रॉकी. आई होप आपको मजा आया होगा, एंड लेट्स सी नेक्स्ट टाइम मैं किसके साथ आता हूँ और उनके साथ क्या दिमाग के बाहर खेले जाते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. सबसे इम्पोर्टेंट, अपना ध्यान रखिएगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, दुआ में याद रखिएगा. ठीक है, तो बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर.